Assalamu alaikum everyone, this is Mohammed Mohsin and today I'll be teaching you how the basics of cryptocurrencies and its markets. हम आज cryptocurrencies को समझेंगे कैसे काम करती हैं, इसकी markets क्या हैं और strategies क्या इस्तेमाल होती हैं और ऐसा हो ये कैसे दूसरे से काम करती हैं. So let's get into it. So basically cryptocurrency जो है एक पेमेंट का फॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज के लिए एक सर्टन कंपनी को जो उन्होंने करेंसी इशू की होती है टोकन जिन्हें कह सकते हैं उसके बदले में आप एक वैल्यू देते हैं. नॉर्मल करेंसीज में भी ऐसा था, गवर्नमेंट नोट्स इशू करती थी, उन नोट्स के अगेंस्ट हम लोगों से चीज़ें या सर्विसेज लेते थे और उसके अगेंस्ट उन्हें वो नोट्स प्रोवाइड करते थे. क्रिप्टो करेंसी का भी यही कंसेप्ट है, इसमें आपको टोकन्स मिलते हैं, उन टोकन्स के अगेंस्ट आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. टू अंडरस्टैंड जिस समय ब्लॉकचेन समझने की जरूरत है, ब्लॉकचेन बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स जो होते हैं एस नोट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स करते वक्त उसे वेरीफाई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं यूजर्स ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिक नहीं है, क्या जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो वही ट्रांजेक्शन है जो कि दूसरे यूज़र ने अप्रूव की हुई है और इन तमाम चीज़ों के मिलाप से एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है. कंप्लीट ट्रांजेक्शन होने के बाद एक ब्लॉक बनता है और ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है. तो इस तरह हम ब्लॉक चेन के सिस्टम को समझ सकते हैं और इसकी अपील जो है उसको ज़रा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अब टू टोटली अंडरस्टैंड कि कितना मेजर हो चुका है, तो राइट नाउ देर आर मोर देन 10,000 क्रिप्टो करेंसीज इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप. अब ये क्रिप्टो करेंसीज में से गोल्ड के क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, ओल्ड कॉइन्स भी हैं, शेट या स्कैम कॉइन्स भी हैं. तो इन ऑर्डर टू ली अंडरस्टैंड दैट हमें इन कॉइन्स की डेफिनेशन समझना पड़ेगा और एक दूसरे से क्या इनका ताल्लुक है उसे भी समझना पड़ेगा. एज अ होल क्रिप्टो करेंसीज ने 18 अगस्त 2021 के दौरान में 1.9 ट्रिलियन तक उनकी वैल्यू थी जो कि 2.2 ट्रिलियन तक पहुँच गई थी अप्रैल के अंदर अंदर. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक आपके कॉइन्स की जो करेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक अप्रिशिएट हो रही है और इसका आगे का ग्राफ कहाँ को जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है क्या क्रिप्टो करेंसीज लीगल है, क्या उनकी ट्रेडिंग उनकी इन्वेस्टमेंट लीगल है. यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि इन सब चीज़ों को ओवरसी करने वाली एंटिटीज में से सबसे ज़्यादा जो हाउ शुड आई से अगेंस्ट एंटिटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में ख्याल में है होगी. वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रिप्टो करेंसी के बहुत खिलाफ है, बट इवन इन दैट कंट्री इट्स टोटली लीगल. बहाल चाइना में हो, हमारे जो गिदन वहाँ के इलाके हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया एशिया स्पेसिफिक वाले एरिया जो हैं वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो थोड़ी ग्रे में आती है, कुछ चीज़ें अलाउड हैं कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है. और एट द एंड आपका जो आपने चीज़ खरीदनी है या जिस चीज़ में इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, इसलिए आपको अपने चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए वेदर इट्स अ गुड वे टू गो शुड यू गो इनटू सर्टेन थिंग और नॉट. तो लाइक आई ऑलवेज से बाय बी वेयर, आपको पता होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू समथिंग, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी या आपके लिए लॉस का नुकसान बनेगी, क्या आपको वो लीगल किसी कॉम्प्लेक्सिटी में तो नहीं डाल देगी. इसलिए सर्च अबाउट इट, आस्क योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अबाउट इट एंड देन गो इनटू इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माय माइंड इज हाउ डू यू बाय अ क्रिप्टो करेंसीज. वेल द ओवरऑल मेथड इज़ वेरी सिंपल. पहले आपको एक वॉलेट लेना पड़ेगा जैसे कि मेटामास्क है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि ये जो क्यूट सा फोक्स बना हुआ ना, दिस इज़ बेसिकली मेटामास्क. ये एक ऑनलाइन वॉलेट होता है जिसके अंदर आप अपनी तमाम जो करेंसीज है उन्हें सेव कर सकते हैं. इस पर पहले आप अपना चेन लगाते हैं कि आपने कौन सी चेन में काम करना है. मैं बाइनेंस में काम कर रहा हूँ तो मैंने बाइनेंस की स्मार्ट चेन लगाई हुई है, आप जिस चेन में लगा रहे हैं आप उस चेन को लगा लेंगे और फिर जो भी आप कॉइन्स बाय करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड होती जाएंगी. मैंने ऑफ किया हुआ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बट आप जैसा इसे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू वी बाय दिस. आप जो भी कॉइन बाय करना चाहे, आपने क्रिप्टो करना है या क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाय करना है या नॉर्मल करेंसी टू क्रिप्टो बाय करना है, उसका मेथड बहुत सिंपल है. आप बाइनेंस या कॉइन बेस टाइप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप सिंपली जाके वैल्यू बताएंगे आपने कौन सी वैल्यू बाय करनी है, कब बाय करनी है, उसकी करेंसी क्या होगी, कौन सा आपका बैंक है,
आप बाय का बटन दबाएंगे, वो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इतना सिंपल है, आपने बाय एंड सेल के बटन पे क्लिक किया, आपने अपनी करेंसी चूज़ की, अपनी वैल्यू बताई कितने डॉलर की आपने ख़रीदनी है, वो ख़रीदने के बाद आपने इसे बाय कर दिया। एंड दिस इज़ बेसिकली हाउ यू डू इट। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि फाइनेंशियल आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हमें समझना पड़ेगा मार्केट काम कैसे करती है। तमाम जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग क्रिप्टो की मार्केट, वो सप्लाई और डिमांड के रूल पे काम करती है। सप्लाई एंड डिमांड का रूल यूनिवर्सल है और काफ़ी ऐसे से चला हुआ है, आज भी वही रूल अप्लाई होते हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है, और जब सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो उसकी प्राइस जो है वो गिर जाती है। ऑन द अदर हैंड, जब किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ करती है सप्लाई गिर जाती है और उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, तो ये ओवरऑल एक साइकिल है चलता रहता है। इसलिए सप्लाई और डिमांड जहाँ पे मैच कर रही हो उस जगह को आप मार्केट कहते हैं। इस तमाम साइकिल को एक बार जहाँ पे सप्लाई डिमांड को मैच कर दे उसे मार्केट कहते हैं। इस तमाम महल के जहाँ पे एक दोनों सप्लाई डिमांड एक दूसरे की मैच हो रही हो, आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इसे चेक कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड बेसिकली मींस कि आपका एसेट कहाँ पे जा रहा है, वेदर इट्स डिक्लाइनिंग, अप्रिशिएटिंग, डिप्रिशिएटिंग, टिपिकल लाइंस कहाँ पे जा रही हैं, आपकी ट्रेंड लाइन क्या है, की मूविंग एवरेजेस क्या चल रही हैं आजकल, और ये एक दूसरे से जो इनका ताल्लुक है ये मार्केट ट्रेंड में आता है। लेट्स सी अ लाइव एग्जांपल। नाउ हियर वी हैव बीएसडी टू यूएसडी चार्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कैप इट इनटू वन डे फॉर एग्जांपल। अब इसे मैंने वन डे पे लगा के मैं जब देखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये जो आप ट्रेंड देखे हैं नीचे डाउन हो रहा है, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, तो दिस इज़ हाउ मार्केट इज़ अप्रिशिएटिंग एंड डेप्रिशिएटिंग। ये वही वाली बात है जो अभी हम पहले डिस्कस करते थे, दिस इज़ व्हाट आवर मार्केट ट्रेंड इज़, कि आपकी चीज़ इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, तो ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे हो रही है कैंडल्स स्टिक या किसी भी मेथड के जरिए हम देख सकते हैं, तो दिस इज़ व्हाट आवर मार्केट ट्रेंड इज। मूविंग फॉरवर्ड, स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट अभी ये ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, इसमें आप जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसकी आपको फ़ोन डिलीवरी हो जाती है, उसके बदले में आपको फ़ोन पेमेंट करनी होती है। एज इनके जिससे आप दुकान पर जाके चीज़ के पैसे देते हैं आपको चीज़ मिल जाती है, मार्केट ट्रेडिंग में भी जब आप कोई एसेट बाय करते हैं आप जैसे पे किया आपको एसेट मिल गया, दिस इज़ पार्ट ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग। इसमें इमीडिएट डिलीवरी कीवर्ड है आपका। एक्सचेंजिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कैश हो चाहे क्रिप्टो हो, बट आपकी अगर इमीडिएट डिलीवरी हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट मार्केट। मूविंग फॉरवर्ड, हमने आगे स्पॉट ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को पढ़ना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली मीन्स है प्लान जो आप फॉलो करते हैं एग्जीक्यूटिंग ट्रेड करते वक्त। कोई भी इसकी सिंगल अप्रोच नहीं होती जो सही हो, हमेशा सही चलेगी। आपकी अप्रोचेज चेंज होती रहती है टाइम के साथ, आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रेफरेंसेस जितना चेंज होते हैं उससे आपकी स्ट्रेटजी भी चेंज होती है। कभी आप जो है लॉन्ग टर्म खेले होते हैं तो कभी आप शॉर्ट टर्म खेले होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपकी पीछे की प्रोफाइल क्या, पोर्टफोलियो कैसा रहा है, उसे आप किसे डाइवर्सिफाई या कैसे एलोकेट करना चाह रहे हैं ताकि ओवर द लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में एग्जिट स्ट्रेटजीज को दिखाया है कि बाय ने सर्टन पॉइंट पे इस पॉइंट पे बाय किया है, वो इन इन पॉइंट पे सेल किया। अब ये स्ट्रेटजी जो है उसने क्या सोच के की है, क्या उसने पैटर्न दिख रहे थे, क्या उसने फॉलोअप लिया, ना ये तमाम चीज़ें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आ जाती है। और ऐसा जब आप इन्हें करते हैं तो आपको बेहतर आइडिया हो जाता है, अगर पैटर्न दिखने लग जाते हैं कि ये चीज़ें होने के बाद फिर ये चीज़ जो है फ़ायदे में जाएगी, ये चीज़ नुकसान में जाएगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ अ डे ट्रेडर? डे ट्रेडर ऐसा आदमी होता है जो एक दिन में चीज़ ले और उसी दिन में वो चीज़ बेच दे। इनके लिए बेहतरीन मार्केट्स होती हैं वोलेटाइल मार्केट्स, क्योंकि उनके अंदर मार्जिन ऑफ सक्सेस जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो आपको फ़ोन ट्रेड करने में फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं खेलते, ये उसी दिन ट्रेडिंग करना सोच रहे होते हैं, और इससे इनकी शॉर्ट टर्म गेम होती है, रोज़ाना के रोज़ाना बैठना होता है, और एक सर्टन पीरियड पे जब आपको लगे कि आपको फ़ायदा होने वाला है तब आप बेचते हो, और जब आपको लगे कि डिप हुई है मैं इसे खरीद सकता हूँ तब आप इसे खरीदते हो।
स्विंग ट्रेडिंग जो है वो क्या कहते हैं, डे ट्रेडिंग से थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती है। इसके अंदर आप करते ये हो कि आप रोज़ाना रोज़ाना ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि आप डेज या वीक्स की लॉन्गर पीरियड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हो, जहाँ पे डे ट्रेडर्स रोज़ाना चीज़ लेते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा वक्फा ज़्यादा ले लेते हैं, वो दिन या हफ़्तों के अंदर चीज़ लेते हैं और दिन या हफ़्तों के फासला रखते हुए उसे निकाल देते हैं कि जब उन्हें लगे कि यार अब प्रॉफिट में ज़्यादा हो रहा है। तो ये इन दोनों में बेसिक फ़र्क होता है। ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड पोजिशन ट्रेडिंग। पोजिशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ी सी मुतफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिहाज से, और उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप एसेट्स को होल्ड कर रखते हो एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और जब आपका गोल मीट हो जाता है आपको लगता है ये 25%, मैंने सोचा था कि जब ये 25% इंक्रीज़ कर जाएगा तो मैं इसे बेचूंगा, और ये 25% पे पहुँच गया फिर इसके बाद आप उसे सेल आउट कर देते हैं। उन तरह स्विंग ट्रेडिंग में आप रोज़ाना ये बेसिस पे या हफ्ते के बेसिस पे आपसे ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम इधर देखें कि 4% इंक्रीज़ आया, 2 डिक्रीज़ आया, 9 इंक्रीज़ आया, फिर 5 इंक्रीज़ आया, फिर 6 इंक्रीज़ आया, फिर 5 का डिक्रीज़ हुआ, फिर 4 का डिक्रीज़ हुआ, फिर 6 का इंक्रीज़ आया। पोटेंशियल मूव जो है 40% हुआ है कि ऊपर भी गया नीचे भी गया, इसमें पोटेंशियल मूव 25% हुआ है और एक ही लाइन में हुआ है। तो आप इसमें स्मार्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इतने जगह पर जब यह पहुँचे हम उसे बेच देना, फिर वहाँ पर जाके आप ऑटोमेट करके उसे बेच सकते हैं। नाउ गेटिंग बैक टू एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, बेसिकली वॉरेन बफे एक बहुत फेमस हाउ शुड आई से पर्सनैलिटी है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल ग्रुपिंग एंड मार्केट्स। उनका कहना यह है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वेन एवर यू डू इट ना, आप तमाम अपना जो लाइबिलिटी है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हो, क्योंकि अगर एक सर्टन एसेट जो आपने लिया हुआ है वो नुकसान का बास हो जाता है।